बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम जूनियर फोर, दिस इज़ योर नाजिया टीचर विद इंग्लिश राइट ट्रैक बुक हियर एंड आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल इंशाल्लाह एंड आई एम श्योर दैट यू आर डूइंग योर वर्क एंड ऑल्सो यू आर लर्निंग द वर्क दैट यू आर डूइंग इन योर कॉपीज एंड बुक्स. सो कीप योर लर्निंग अपडेटेड. And today, as you know, that we were doing unit number 2, the silver house, and this story is, or this poem is about the moon. The silver house is actually the moon, which looks beautiful and very eye-catching in the sky, and it comes in the beginning of the Islamic month, and in the beginning it appears and it starts growing day by day, and by the date of 15 of that month it grows to its full, मुकम्मल हो जाता है और पूरा एक गोल सा चांद आसमान के ऊपर नज़र आ रहा होता है. बहुत खूबसूरत होता है, बहुत प्रिटी लग रहा होता है, वो अपीलिंग होता है और इट लुक्स लाइक अ सिल्वर क्राउन, जो कि पोइट ने भी इसको जिस तरीके से बताया है, इट लुक्स ब्यूटीफुल. एंड पोइट का ये ख्याल है कि इसके ऊपर एक आदमी बैठा होता है चांद के ऊपर, एक पुअर मैन होता है जो इसको आसमान के ऊपर लेकर आता है इन द बिगिनिंग ऑफ द डेज, एंड फिर उसको जब जैसे जैसे महीना ख़त्म होता है तो इसको वापस भी वो लेकर चला जाता है. जबकि आसमान के ऊपर जिन दिनों में हमें चाँद नज़र नहीं आता, उन दिनों में ये आदमी चाँद को वापस ले जाता है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, ऐसा नहीं होता. ये तो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि अल्लाह ताला ही चाँद को आसमान के ऊपर लाते हैं और अल्लाह ताला ही उसको वापस ले जाते हैं, और फिर नए महीने में फिर से चाँद वापस आ जाता है. जैसे अभी आपने देखा कि रमज़ान का चाँद आ गया था, आप कितना एक्साइटेडली देखने के लिए चाँद जाते हैं छतों के ऊपर, आप खड़े होकर बहुत गौर से देखते हैं और ढूंढते हैं. पतला सा बारीक सा चाँद होता है, तब वो नया नया अपीयर होता है, इसलिए छोटा सा नज़र आ रहा होता है. और जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं चाँद बड़ा होता चला जाता है, और बाय द टाइम दे डेट 15 ये पूरा मुकम्मल एक चाँद बन जाता है और आसमान पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, जिसको हम चौदहवीं का चाँद भी कहते हैं. ठीक है, सो वी विल रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पोएम. सो ओपन योर बुक्स, पेज नंबर इज 20 एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Yet when you go to bed tonight, और आज जब आप बिस्तर पे वापस जाओगे, just draw the window blind, तो window blinds यानी कि आपके खिड़की के जो पर्दे हैं उसको गिरा देना, उसको खिड़की के ऊपर डाल देना, and peep out at the silver moon, और फिर वहाँ से झांक कर देखना आप चाँद की तरफ. This lonely man to find, और उस अकेले आदमी को ढूंढने की कोशिश करना. बट इफ़ हिज़ हाउस इज़ टेकन डाउन, लेकिन अगर उसका घर, उस लोनली आदमी का घर कौन सा है, चांद को उसने, पोएट ने उसका घर बोला कि अगर उसके घर को वापस ले जाया गया है, यानी कि चांद ख़त्म हो गया आसमान से, एंड ऑल द स्काई इज़ बेयर, तो पूरा आसमान जो है वो आपको खाली नज़र आ रहा है, बग़ैर चाँद के नज़र आएगा. देन गो टू बेड बिकॉज, तो फिर चुप करके अपने बिस्तर पे वापस चले जाना, क्योंकि ऑफ़ कोर्स द पुअर मैन वॉन्ट बी देयर, क्योंकि वो बेचारा आदमी, गरीब आदमी वहाँ पर चांद पर नहीं होगा. दिस इज़ जस्ट एन इमेजिनेटिव पोएम, और मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ अल्लाह ताला ही है जो इस निज़ाम को चलाता है कि चांद आसमान के ऊपर नज़र आता है और या फिर नहीं नज़र आता महीने के एंड में. तो दिस इज़ ऑल for the poem today, and we will also do some word meanings and the word sentences, the picture I am sending it to you. Remember that you have to put the margin lines in the copy, write the topic, the unit, day and date of course, and you will make the column the same way I have made. बिल्कुल इसी तरीके से आप अपना कॉलम्स बनाएंगे और वर्ड मीनिंग्स लिख लेंगे, और डिक्टेशन को भी आपने पहले लर्न करना है और फिर इसी तरह से टॉपिक लिख के डिक्टेशन भी लिख लेनी है. ठीक है, एंड डू द लर्निंग साइड बाय साइड, सब काम करें, रोज़े भी रखें, इबादतें भी करें, और साथ साथ अपनी लर्निंग को भी कंटिन्यू करें, क्योंकि इंशाल्लाह ताला पता भी नहीं चलेगा, दिस मंथ विल गेट ओवर, एक महीना गुजर जाएगा तो फिर वापस हमने स्कूल में आना है इंशाल्लाह सून. तो तब तक आपकी लर्निंग जो है वो बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, वर्किंग भी कंप्लीट होनी चाहिए, बुक वर्क, कॉपी वर्क, सब कुछ. ओके, सो वी विल डू द कॉपी वर्क, वर्ड मीनिंग्स. फर्स्ट वर्ड इज़ क्राउन.
क्राउन का मतलब होता है जो सर पे हम ताज पहनते हैं, दैट इज़ सिल्वर कॉइन। यहाँ पे क्राउन बोला गया है कि जो चांद आसमान के ऊपर जो नज़र आता है वो सिर्फ सिल्वर कॉइन की तरह से नज़र आता है, ठीक है। सॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ का क्या मतलब है, टाइप ऑफ यानी कि इस तरह का, सॉर्ट ऑफ मीन्स कि इस तरह का, कि चांद इस तरह नज़र आता है आसमान के ऊपर जैसे कोई सिक्का रखा गया हो, सिल्वर कलर का सिक्का रखा गया हो। ब्लाइंड का मीनिंग वैसे तो होता है जिनकी आंखें नहीं होती हैं, जो देख नहीं सकते, अंधे होते हैं, उनको ब्लाइंड कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे उसका मतलब है कि विंडो स्क्रीन यानी कि विंडो के ऊपर जो हम पर्दा डाल देते हैं या स्क्रीन डाल देते हैं उनको ब्लाइंड्स कहते हैं। बेयर मीन्स एम्प्टी, बेयर मीन्स एम्प्टी, ठीक है। जब दरख्तों के पत्ते सारे गिर जाते हैं तो वो बेयर हो जाते हैं बगैर पत्तों के, ठीक है। और इसी तरह से जब आसमान के ऊपर चांद गायब हो जाता है, नज़र नहीं आता, तो द स्काई लुक्स बेयर विदाउट मून, बगैर चांद के स्काई जो है वो बेयर नज़र आता है, ठीक है। दिस इज़ द वर्ड मीनिंग्स यू विल डू, डोंट फॉरगेट टू पुट द एंडिंग लाइन व्हेन यू फिनिश योर वर्क लेटर, यू विल डू द डिक्टेशन वर्ड्स, दैट इज़ फर्स्ट वर्ड इज़ सिल्वर, देन इज़ क्राउन, देन इज़ शोइंग, शोइंग मतलब नज़र आना, देन इज़ हाइडिंग, हाइडिंग मतलब छुप जाना, एंड देन लोनली, लोनली मीन्स अकेला, ओके। सो दिस इज़ टुडेज वर्क यू विल डू, विल मीट इंशाल्लाह विद द नेक्स्ट वीडियो टुमारो, एंड वी विल डू सम सेंटेंसेस। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज़, अल्लाह हाफिज़।